हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाइलिश भूमि में। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन वाला जरूर कर देना मैम साहब के, मैम साहब के चैनल के लिए, क्योंकि ये अभी इनको हंसी ज्यादा आ रही है थोड़ी, है ना? हंसी ज्यादा आ रही है। तो आज मैं बना रहे हल्दी की सब्जी। और क्या है, मैं अकेली सब्जी बनाऊँ ना तो मेरे से ही ढंग से बनती है, और पास में कोई खड़ा हो क्या कहता है ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो आपको पता ही है कुछ कुछ गड़बड़ होती है, पर आज नहीं होने वाली है गड़बड़। तो हम बना रहे हल्दी की सब्जी। हल्दी को कर दिया कद्दूकस साफ धो के, उसपे ऊपर से थोड़ा सा सिल के फिर कद्दूकस कर दिया है, और घी कर लिया है गरम। जितनी हल्दी हो उतना तो घी लगता ही लगता है। हमारी 250 ग्राम हल्दी है तो लगभग 250 ग्राम घी लगेगा ही, है ना? हाँ, और हल्दी बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगती है? कद्दूकस करने कद्दूकस में करने में हाथ 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 पीले कटने पीले का हो जाते डर, हैं। पीले एक बार हो गए बार बार नहीं करना है। नहीं, पीले हो जाते हैं ना। हम तो हाँ, जब कलर पहले लग जाता है बस। पहले हम कभी हल्दी बनाते थे तो हाथ पीले हो जाते थे ना, तो 2 दिन धोते नहीं थे, नहीं होते लोगों को तो खाना दिखाने के खाते लिए। खाते हाँ, रगड़ देते थे, बोले हाथ पीले हो गए तो स्कूल जाके दिखाएंगे बच्चों दिखाएंगे, को, मतलब बोले हल्दी कि आज बनाई हमने है। हल्दी बनाई थी। चलो कुछ तो आप बताओ कि अब कैसे हमारी कैसे हो बनाते हैं। रही है हल्दी को, भून रहे हैं अच्छे से घी में, पकाएंगे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे पकते पकते। और उसके लिए हमने सारी सारी सामग्री तैयार सब्जियां, कर दी है। हाँ उसमें है मटर, मटर, हरा प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन और हरा धनिया, यही डालेंगे। टमाटर हमें पसंद नहीं है इसीलिए नहीं डालेंगे। और ये देखो हल्दी अब पक गई है हमारी लगभग, क्योंकि ये घी सोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने, पूरा साइड साइड में आप देख रहे हैं घी सोड़ दिया, मतलब हल्दी पक गई है। अब आगे की स्टेप बताएंगे फौजी साहब, बताइए। मैं क्या बताऊं, आप बताओ। आप तो पता है ना, रेसिपी बना रहे हो ना हल्दी की। और यहाँ मतलब लोगों को अभी तक पता भी नहीं है हल्दी की सब्जी भी बनती है क्या। काफी लोग अचंभित रहते हैं, हल्दी हल्दी की सब्जी, हल्दी तो बोला सब्जी में डालते हैं, सब्जी कब बनती है उनकी? हकीकत में है नहीं, अवान राजस्थान में फेमस है हल्दी ये की हमारे सब्जी, राजस्थान में फेमस राजस्थान में, है। आधे राजस्थान में, ठीक है हाँ, आधे खास आए। कर मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है हल्दी की सब्जी, बहुत शानदार बनती है। अभी कल परसों यहाँ संसद भवन में भी बनी थी हल्दी की सब्जी, देख लो। हल्दी की और सब्जी क्या, हल्दी की सब्जी उसमें, बनी अच्छा थी। गाजर का हाँ, हलवा था, गाजर हलवा, बाजरे हल्दी की की सब्जी, रोटी, बाजरा का रोटा, रोटा नहीं रोटी, ये रोटी सारी वो मतलब बनी मोटा थी। अनाज था तभी आपका आ रहा है हाँ, रोटा। वो मोटा तो अनाज, वो कुछ हुआ था ना उसका, कुछ था पता नहीं, पूरा बिल्कुल मुझे अब पता पक गई नहीं। हल्दी बिल्कुल आपकी पूरी। तो इसी हल्दी को, घी को अंदर ही रखेंगे, हल्दी हल्दी को थोड़ा निचोड़ के ले लेंगे, और उसी घी में थोड़ा सा और घी डालेंगे और सारे सब्जियां भुनेंगे। तो आप देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और और वीडियो पूरा जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी हल्दी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। एकदम देसी तरीके से है, कोई वो क्या बोलते, कोई एडिटिंग नहीं है भी इसमें, और न ही कोई वैसे ऐसा नहीं है कि उसमें वैसे मिर्च मसाले जो हमें नहीं मिले, जो अपने घर में है वही डालो बस, सही बात है। तो और टेस्ट ये ही अभी डाल बढ़ेगा। दिया है मैम साहिबा ने, क्या डाला इसमें? इसमें डाला है जीरा, धनिया साबुत और और लहसुन, हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ी सी भूनने के बाद थोड़ी चर्की कम होगी, क्योंकि क्या है कि अच्छा, बच्चे खाते नहीं है हरी मिर्च इसीलिए। सही है बिल्कुल। अभी इसको कम आंच में पकाएंगे तो बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है, क्योंकि ज्यादा आंच में पकाएंगे तो फिर ये हो जाता है गर्म। और इसमें अब वो सारा डाल दिया मसाला, बीच में वीडियो क्या है थोड़ा सा रुक गया था तो नहीं बन पाया। मटर और क्या बोलते हैं वो हरे प्याज वगैरह सारे भून दिए अच्छे से पकाने के बाद। हल्दी तो है ही, हल्दी नहीं डाली, मिर्ची डाली थी और धनिया पाउडर वगैरह सारा डाल के, और अब डाल दी हल्दी और अब पकाएंगे काफ़ी देर तक इसको, और 5-7 मिनट पकाएंगे तो ये पक जाएगा हाँ ना। अच्छे से घुल मिल जाए हल्दी और सब्जियां आपस में। वास्तव में और जिसने हल्दी सब्जी नहीं खाई ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। आपका सबका स्वागत, अब वेलकम, आ डाल जाइए। देते हैं इसमें हरा धनिया बहुत सारा, बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है। और फिर एक सूखा सीक्रेट और बताने वाली हूँ अभी मैं, सूखा धनिया डाल सकते हैं क्या? सूखा धनिया डाल दिया मैंने पहले, और सूखा धनिया मैंने साबुत भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है, सारे डाला। और एक और बात बताने वाली है कि दही हम पकाते नहीं, वैसे ही रखते, और अगर आप दही को पकाएंगे तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया आने वाला है, क्योंकि दही पकाते नहीं, कच्चे दही का एक रायते टाइप टेस्ट आता है। और दही को अगर काफ़ी देर पकाने के बाद आप अगर उसमें हिलाते रहो ना कंटिन्यू, हाँ, तो तो दही दही फटता भी नहीं फटता है। कभी नहीं फटता है। हाँ, और दही नहीं फटने का एक और टिप्स है कि और ये इसमें नमक कटोरी, आप बाद में डालना, नमक पहले कभी नहीं डालना, नमक पहले डाल देना तभी दही फटता है। और ये कटोरी में ये मेरे लिए अलग अलग से रख दिया है मैम साहिबा ने,
नहीं आपके लिए नहीं तो? ये हल्दी ज्यादा थी इसीलिए दही वाली, हमें आधी दही वाली खानी है, और अगर दही वाली नहीं खानी है ये सुबह तक बस गई तो इसमें सुबह दही डाल देंगे इसीलिए। नहीं नहीं ये तो सुबह मैं खाऊंगा भाई इसको, आप भी खा लेना, हम भी खा लेंगे, सब खाएंगे, और बस बच्चे शायद ना खाए दही वाली इसीलिए बच्चों के लिए निकाली है, इनके लिए नहीं। वास्तव में दोस्तों बहुत, और इसको मैं दही को डाल के काफी देर तक पकाने वाली हूँ, मुझे लगा हल्दी का मैं तो और डाल देती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।